नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा प्लांट होता है जो सभी के घर में ज़रूर लगाना चाहिए, तो उन्हीं में से एक पौधा है, देख रहे हैं, एलोवेरा का प्लांट। तो आज के वीडियो में शेयर करूंगी एलोवेरा प्लांट की रिपोर्टिंग। तो कई लोगों का शिकायत होता है कि वो एलोवेरा के प्लांट लगाते हैं पर वो लगते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये पौधा को ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है पानी। अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तभी ये पौधा ख़राब होते हैं, क्योंकि इसके पत्तों में ही जेल होते हैं, पानी होते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा अगर पानी देते हैं तभी ये पौधा ख़राब होता है, नहीं तो ये पौधा सालों साल तक हमारे गार्डन में बना रहता है। और एक छोटा सा पौधा मैं लेके आई थी, उसी से देख रहे हैं कितने सारे इसके पौधे बन गए हैं। तो 7-8 साल पहले मैं छोटा सा पौधा अपने नेबर से लेके आई थी, इसके अनगिनत पौधे हैं। तो मेरे गार्डन में भी इसके कई सारे पौधे लगे हैं जगह जगह पर। और ये छोटा दो पॉट मैं छत में लेके आई हूँ वो बालकोनी में से, तो इसको मैं रीपॉट करूँगी। तो देख रहे हैं इसकी मिट्टी, जो इसके छूने से ही मिट्टी पूरे नीचे झड़ जाएगी। तो इसकी मिट्टी जब तैयार करें तो बहुत हार्ड मिट्टी रहते हैं, तभी ये पौधा का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी देख रहे हैं, हाथ से छूने से ही नीचे झड़ जाते हैं। तो पोरस मिट्टी होना चाहिए, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो इसकी मिट्टी जब तैयारी करेंगे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें थोड़े से बालू की रेत मिला लेंगे, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो। और कंपोस्ट में जो भी कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो गोबर की खाद भी बहुत अच्छा रहता है, 20% वो, और राख और नीम की खली मिला के इस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे। तो मेरे गार्डन के ही जो दूसरे पौधे ख़राब हो गए तो वही मिट्टी है, इसलिए मैं बालू की रेत नहीं मिलाऊंगी और नीम की खली और थोड़ी राख मिला के मिट्टी तैयारी करेंगे। तो एक बार अगर मिट्टी तैयारी करके पौधा लगा देते हैं तो इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साल में एक बार कोई फर्टिलाइज़र अब दे सकते हैं, नहीं तो बिना फर्टिलाइज़र के भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बस मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट मिट्टी रहने से तभी पौधा का ग्रोथ हो पाएगा। तो देख रहे हैं इसके कितने सारे बेबी प्लांट निकाले हैं, तो अनगिनत बेबी प्लांट है। तो कुछ प्लांट इसको लगा लेंगे और कुछ के पत्ते देख रहे हैं इधर निकाल के रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जेल निकाल के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हेयर स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदे होता है। तो ये पौधा अपने घर में ज़रूर से ज़रूर लगाए, सभी घर में ज़रूर होना चाहिए। तो देख रहे हैं मैंने प्लास्टिक के गमले लिए हैं, तो उसमें ड्रेनेज होल चेक कर लेंगे ताकि पौधे में पानी नहीं रुक पाए। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते तभी ये पौधा ख़राब होता है, नहीं तो कम देखभाल में चलने वाला पौधा है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गमला अगर बड़ा है तो उसमें सूखे और हरे पत्ते के लेयर भी लगा देंगे, अगर गमला काफ़ी छोटा है पॉट तो उसमें जो मिट्टी तैयार किए हैं तो उसको ही डाल के पौधे लगा देंगे। तो मैंने प्लास्टिक के गमले लिए हैं, तो उसमें नीचे सूखे और हरे पत्ते के लेयर लगा के फिर ऊपर से जो मिट्टी तैयार किए हैं डाल देते हैं, तो वो जो पत्ते हैं नीचे सर के खाद बन जाएंगे और पौधा का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए, बहुत तेज़ मई जून की अगर काफ़ी तेज़ धूप रहती है तो वहाँ ये रखने से ऊपर के जो पत्ते हैं काले पड़ जाते हैं और पत्ते की चमक ख़त्म हो जाती है। वैसे ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो इसको अगर इसके पत्ते में चमक बने रहे इसके लिए महीने में एक दो बार इसको अगर स्प्रे करते हैं तो जो धूल जम जाते हैं इसके पत्ते पर तो वो हट जाएंगे, तो ऐसे ही हरे भरे पत्ते के चमक बने रहेंगे। तो देख रहे हैं सारे पॉट में मैंने लगा दिए हैं और एक प्लास्टिक का मग है उसमें भी लगाए हैं। तो इसको कोई भी अच्छे सुंदर से प्लांटर में रख के लिविंग एरिया में रख देंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो देख रहे हैं कुछ को लगाए हैं और कुछ मेरे इधर देख रहे हैं प्लांट जो निकाले हैं, तो वो भी पत्ते हैं, तो इसको मैं यूज कर लूँगी। और कितने सारे प्लांट मेरे बच भी गए हैं तो इसको मैं अपने गार्डन में लगा दूँगी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो शाम में देखूँगी, अगर टाइम मिला तो इसको लगा दूँगी, नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स कटिंग लगाने के लिए भी इसके रूटिंग हार्मोन में भी इसके जेल का काम आता है, डुबो के लगाते हैं तो कटिंग बहुत जल्दी लग जाते हैं। और इसे देख सकते हैं मेरे किचन गार्डन है, तो आज मैं कुछ हार्वेस्टिंग भी करूँगी। तो ये देख रहे हैं मेरे टमाटर के पौधे की ग्रोथ, जो कि कितना अच्छा है और कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो इधर ये वाला ड्रम में मैंने कुछ आलू के प्लांट लगाए थे, तो उसमें से मैं आलू की हार्वेस्टिंग करूँगी। तो वैसे आलू के प्लांट मैंने पहली बार ही छत में लगाया है, जो किचन में आलू लाते हैं पोटैटो यूज करने के लिए उसी को काट के लगाए थे, तो देखते हैं कितने आलू निकलते हैं। तो कुछ ही प्लांट को मैं हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे मिट्टी की भी ज़रूरत है। तो अभी फरवरी का महीना है तो रिपोर्ट एक के बाद एक सभी प्लांट को करना पड़ता है, जो भी परमानेंट प्लांट है उसको रिपोर्ट कर लेना चाहिए अगर रूट बॉन्डिंग हो गई है तो इसलिए मैं कुछ गमले को खाली करके मिट्टी को सुखा के फिर उसको तैयार करूँगी। तो इधर देख सकते हैं आलू की ग्रोथ, जो कि आलू के निकले हुए हैं, कई सारे आलू इसमें भी है, तो
सबको मैं हार्वेस्ट करके जो भी पुरानी मिट्टी है तो उसको धूप दिखा कर फिर से नई से तैयार करके समर के वेजिटेबल्स या समर के फ्लावर्स के जो प्लांट होते हैं वो लगाएंगे। तो इधर देख रहे हैं ये वाला ड्रम में भी कई सारे पौधे लगे हैं, तो इधर भी आलू है और बीन्स के भी पौधे हैं, तो इधर भी देख रहे हैं कई सारे आलू निकल गए हैं। तो इस तरह से सभी को हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इधर भी देख रहे हैं तो इसमें भी कैबेज लगे हुए हैं और आलू है, तो ये रहे मेरे आलू की हार्वेस्टिंग। तो ये बोरी में लगे हैं तो इसको भी मिट्टी खाली कर लेंगे। तो मिट्टी की ज़रूरत है इसलिए मैं सबको हार्वेस्ट करके जो पौधा तैयार हो गया है उसको लगभग सभी को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और इधर देख रहे हैं गांठ गोभी जो कि प्लास्टिक के ड्रम में लगे हुए हैं, तो इसमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसके अटैक हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इसको नीम ऑयल का स्प्रे किए हैं, फिर भी कुछ प्लांट को हटा देंगे क्योंकि बहुत घना है, तो कोई भी पौधा बहुत ज़्यादा घना होने से भी कीड़े का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये रहा मेरी आज की हार्वेस्टिंग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।